हेलो गाइज, वेलकम बैक मानी वीडियो। तो गाइज सब कैबन ने कमेंट किया यहाँ पे, देखते हैं उन्होंने कमेंट किया कि सर मैंने जिस नंबर को ब्लॉक किया उस नंबर पे फिर भी कॉल आ रहा है। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ, इस समय दोस्तों अगर किसी नंबर को ब्लॉक करते हैं तो उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय प्रेजेंट टाइम में इतने सारे एप्लीकेशन बन गए हैं जहाँ पे दोस्तों अगर किसी के नंबर को ब्लॉक करते हैं गुस्सा में जाके, नाराज होकर या फिर लड़ाई करके किसी नंबर को ब्लॉक करते हैं, अगर कोई पर्सन उस नंबर पे कॉल करना चाहे तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकता है। क्या दोस्तों इस समय बहुत सारे एप्लीकेशन बन गए, यहाँ पे देख सकते हैं एक एप्लीकेशन है, आपको क्या करना है गूगल क्रोम में जाना है, और गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको क्या करना है सर्च करना है ग्लोफोन। ग्लोफोन पे जब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कॉल का ऑप्शन है, कॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब कॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद दोस्तों जिस भी देश के रहने वाले हों, अमेरिका के हैं तो अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के हैं तो ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान के, इंडिया के हैं तो इंडिया के, नेपाल के हैं तो नेपाल के, मतलब जिस देश के रहने वाले हैं कंट्री का नाम लिखना है। उसके बाद जिसने आपके नंबर को ब्लॉक किया है आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर का ऑप्शन है, नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस नंबर को डायल करके उस पर कॉल लगा देना। जब कॉल लगा देंगे तो उसके पास जब नंबर जाएगा आपका नंबर जो है उसके पास हाइड रहेगा और नया नंबर से जाएगा, जो दोस्तों आसानी से आप उसे बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें बन चुके हैं, इसके लिए दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने किसी नंबर को ब्लॉक किया है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं जिस नंबर का ब्लॉक करते हैं उस पर कॉल करने का तरीका बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों अगर किसी नंबर का ब्लॉक करते हैं तो कोई बात नहीं, कर दीजिए, जो लोग जानेंगे वो लोग कर पाएंगे, जो लोग नहीं जानेंगे उस नंबर पर कॉल नहीं कर पाएंगे। बाकी दोस्तों आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट से कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आपको मन में कोई सवाल हो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।